वेलकम बैक टू माय चैनल केयर क्योर। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम नहारी। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है और आप जरूर इसको ट्राई करिए। इसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है। ये बोंग का गोश्त है और आप बोंग का ही गोश्त लें क्योंकि इससे नहारी बहुत अच्छी बनती है। नहारी मसाला है, ये होममेड है, आप भी बना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये 1 teaspoon साल्ट है, 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च है, 3 tablespoon मैदा, आप आटा भी ले सकते हैं और बेसन भी यूज कर सकते हैं। ये 4 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 tablespoon दही है और ये एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने इसको तल के ये रखा हुआ है, ये मैं बाद में यूज करूंगी। और ये अदरक कटी हुई है और ये सब हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। 4 मिर्ची हमने चॉप करी है और अदरक चॉप करी है। अब हम कुकर लूंगे, उसमें 4 चम्मच ऑयल डालूंगे। 1। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम ये हमने मटन को बहुत अच्छे से वॉश करके रख दिया था छन्नी में, बिल्कुल छन गया ठीक से, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए हमारा हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें इस पॉइंट पे आके हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और दही को भी ऐड कर देंगे। अब फिर हम इसको 5 से 6 मिनट तक की खूब अच्छे से भूनेंगे। 6 मिनट तक की खूब अच्छे से भूना है जब ताकि लहसुन अदरक का जो स्मेल है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अब हम इसमें नहारी मसाला डालेंगे। इस पॉइंट पर आके मैं नमक डालूंगी, ये कश्मीरी मिर्च डालूंगी और ये नहारी मसाला डालूंगी। अब मैं इसको डाल के भी अच्छे से खूब भूनूंगी मीडियम स्लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक की अच्छे से खूब भूनूंगी। ये देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब मैं इसमें करीब 4 कप पानी डाल के 1 प्रेशर लगाऊंगी, फिर उसके बाद मीडियम स्लो पे 10 मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक की पकाऊंगी। इसको मैदे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, मगर इतना रोस्ट करेंगे कि उसका कलर खराब नहीं होना चाहिए। फिर इसमें हम पानी को ऐड किया है और मैं अच्छे से मैश करूंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब ये मैंने इसका ऊपर का तार उतार लिया है क्योंकि अक्सर जब हम इसमें मैदा मिलाते हैं तो इसका तार बिल्कुल हट जाता है, इसलिए हम इसको पहले हटा ले रहे हैं। और ये आप चाहे बाद में इस ऑयल को डालें या ना डालें, आपको जैसा, अगर कोई भी ऑयल से प्रॉब्लम हो तो आप इसको नहीं डाल सकती हैं। और निहारी के मटन को अच्छे से कुक करना बहुत ज़रूरी होता है और इसलिए अब हम ये देखेंगे कि हमारा ये मटन टेंडर हो गया है कि नहीं। इसका टेंडर होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस पॉइंट पर आके मैं इसमें मैदा मिलाऊंगी। एक हाथ से मैं चलाती जाऊंगी और एक हाथ से मैं डालती जाऊंगी, मगर इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि ताकि इसमें लम्स ना पड़े। मैदे को डालने के बाद मैंने अच्छे 5 मिनट तक की खूब अच्छे से पका लिया है। अब मैं इसमें ये फ्राई किया हुआ प्याज को ऐड करूंगी और डिश आउट करूंगी। सो व्यूअर्स, ये हमारी नहारी रेडी है। अब जो हमने इसका जो ऑयल ऊपर से निकाल के रखा था मैं इसको डाल दूंगी क्योंकि इससे बहुत अच्छा और खूबसूरत लगता है। और जो मैंने कि 1 किलो नहारी में 52 ग्राम मसाला ही लगता है, तो प्लीज आप लोग 52 ग्राम ही डालें। इसको नहारी को नान से खाएं, बटर नान से खाएं, कुलचे से खाएं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगेगा। प्लीज एक बार जरूर ट्राई करिए इसको। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।